शाह जी आए हैं, देश के गृह मंत्री है, ठीक है आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनके भाषण से ऐसा लग रहा था जैसा उन्होंने कहा था कि 12वीं के बाद इंटरमीडिएट करा रहे हैं, 12वीं के बाद इंटरमीडिएट करवा रहे हैं। ये अमित शाह जी का मानना है और कहना है, एक तो हम कहना चाह रहे थे, अभी हम सुने उनका बयान सुने हैं, आता डाउन उनका बयान सुने हैं, आप आराम से रहिए ना, उनका बयान ये सुने हैं, हटाओ ना हाथ, उनका बयान ये सुने हैं कि ये जातीय जनगणना में यादव मुसलमान लोग का बढ़ा दिया गया, बाकी सब लोग का कम कर दिया गया। तो हम तो यही कहना चाहते हैं, अगर इतना ही गलत अगर हुआ है अमित शाह जी, बीजेपी शासित राज है वहां भी करवा ले जाती जनगणना, काहे नहीं करा रहे हो भाई। और ये आप बताइए ना, केंद्र में जितना कैबिनेट मंत्री बिहार से कौन है, ओबीसी है कि अति पिछड़ा है? जितने बीजेपी के मुख्यमंत्री है ओबीसी है, कितने ओबीसी है और कितना अति पिछड़ा, जरा बता दे। केवल जो है बकवास बोलने आते हैं, झूठ बोलने आते हैं, कुछ है नहीं उनके पास कहने के लिए। अब यहाँ कलम बांटा जा रहा है, नौकरी बांटी जा रही है, तो उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे। बताए देश में बट रहा है कि नहीं बट रहा नौकरी, बताए उनके प्रदेश में नौकरी बट रहा है कि नहीं बट रहा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.